हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बॉलीवुड के कई ऐसे एक्टर्स रहे हैं, कई ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्होंने ज्यादा नाम नहीं कमाया, और कई बार ऐसा भी होता है कि पहली फिल्म भले ही ब्लॉकबस्टर साबित हो जाए, लेकिन कुछ चुनिंदा एक्टर्स ऐसे रहे हैं जिनकी पहली मूवी भले ही सुपरहिट रही हो लेकिन फिर आगे वो नहीं चल पाए। आज हम इस वीडियो में उन स्टार्स की बात नहीं करेंगे, आज हम अपनी लिस्ट में उन स्टार्स का जिक्र करेंगे, इस वीडियो में उन स्टार्स की बात करेंगे जिनकी पहली ही फिल्म सुपर फ्लॉप रही थी। ये समझ लीजिए कि पहली फिल्म से जिनका अंदाजा हो गया था कि ये स्टार्स तो नहीं चलने वाले, और फिर वो चले भी नहीं। इनमें सबसे पहला नाम आता है काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी का। तनिषा की पहली फिल्म जिससे उन्होंने डेब्यू किया था वो थी ये उनकी फिल्म थी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिटी थी। तनिषा मुखर्जी की एक्टिंग से लेकर फिल्म की जो पूरी स्क्रिप्ट थी, सिनेमेटोग्राफी थी, गाने थे, कहानी थी, सब पूरी तरीके से फ्लॉप रहा था। और ये सुपर फ्लॉप देने के बाद तनिषा मुखर्जी का करियर भी ऑलमोस्ट फ्लॉप ही नजर आया। दो चार चुनिंदा फिल्मों में वो नजर आई, लेकिन उनका करियर उस हिसाब से नहीं चला जिस हिसाब से चलना चाहिए था। फिर इस लिस्ट में अगला नाम आता है हरमन बावेजा का। इनको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इनके जो लुक्स है वो ऋतिक रोशन से मिलते हैं, लेकिन इसके इतर मुझे बताइए आपको उनकी कोई फिल्म याद हो। हाँ, आपको वो गाना जरूर याद होगा जिसमें वो प्रियंका चोपड़ा के साथ नजर आते हैं, बस इससे ज्यादा मेमोरी हरमन बावेजा के लिए किसी के जहन में मुझे लगता है कि नहीं होगी। हरमन बावेजा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था लव स्टोरी 2050 से, और इसका कॉन्सेप्ट क्या था, कहानी क्या थी, आज भी दर्शक इसको लेकर कंफ्यूज है। ये बुरी तरीके से पिटी थी, और हालांकि प्रियंका चोपड़ा तो अपना स्टारडम साबित कर चुकी थी, लेकिन हरमन बावेजा के लिए ये डेब्यू बेहद सुपर फ्लॉप रहा था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सिकंदर खेर का, यानी कि अनुपम खेर के बेटे का। वेब सीरीज आर्या से अपनी एक्टिंग का जलवा भले ही सिकंदर शेर ने दिखा दिया हो, और आने वाले दिनों में उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हों, लेकिन एक वो वक्त था जब उनकी पहली फिल्म आई थी और उसने ये साबित कर दिया था कि अनुपम खेर के बेटे बॉलीवुड में नहीं चल पाएंगे। ये जो फिल्म थी ये थी वुडस्टॉक विला। ये बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से पिट गई थी, और मुझे लगता है शायद आपको नाम भी इसका नहीं याद होगा, क्योंकि जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मेरे जहन में भी मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने पहली बार सुना है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खबरों में रहने वालों को भी ये फिल्म याद नहीं है, तो फिर आपको कहां से होगी। खैर, इस लिस्ट में अगला नाम आता है सोनू निगम का। जानी दुश्मन एक फिल्म आई थी जिसमें बहुत सारे स्टार्स थे। जो स्टार्स थे वो तो पहले से ही सुपर स्टार्स थे, लेकिन कुछ ऐसे स्टार्स थे जिन्होंने इससे डेब्यू किया था, और इन्हीं में शामिल थे सोनू निगम। सिंगर के तौर पर तो अपनी पहचान बना चुके थे, लेकिन एक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने फिल्म चुनी जानी दुश्मन। बहुत बार टीवी पर आ चुकी है, यकीनन आपने शुरू से एंड तक देखी होगी, क्योंकि जिस तरीके की उसकी कहानी थी कहीं ना कहीं लोगों को बांधे रखती है। लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो पूरी तरीके से फ्लॉप रही थी, पिट गई थी, और इस फिल्म ने कोई ज्यादा अच्छा खासा कलेक्शन नहीं किया था, इसीलिए इसे फ्लॉप फिल्मों की कैटेगरी में रखा गया है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के इतिहास की सबसे घटिया फिल्मों में इसे गिना जाता है। तो इससे सोनू निगम ने अपना डेब्यू किया था, और ये डेब्यू कैसा रहा सब जानते हैं। सिंगिंग की दुनिया में आए थे, वापस से सिंगिंग की दुनिया में ही चले गए, हालांकि अब तो बहुत दिनों से वो सिंगिंग की दुनिया से भी दूर है, अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर रही है, और इन सब के बीच विवादित बयान देते रहते हैं और चर्चा बटोरते रहते हैं। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस लिस्ट में नाम लेंगे फरदीन खान का। फरदीन खान की पहली फिल्म थी प्रेम अगन, इससे उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, और मेघना कोठारी इस फिल्म में उनके साथ थी। मेघना का जो करियर था वो भी इसके साथ डामाडोल हो गया, और बाकी फरदीन तो कहाँ है आजकल आप जानते ही हैं। जिस कदर फिरोज खान ने अपने जमाने में एक नाम कमाया था, ख्याति पाई थी, फरदीन खान उससे बिल्कुल उलट अब इस बॉलीवुड की पूरी दुनिया से बाहर हो चुके हैं। तो ये वो लिस्ट है, ये वो स्टार्स हैं जिनकी पहली ही फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी सुपर फ्लॉप साबित हुई। इस लिस्ट में अगर कोई नाम छूट गया है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें।